Kuba, Kuba! Reformer Hośmiał! Hośmiał, Hośmiał! Kuba, Kuba! 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 Kuba, राम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं जो अपने तीन जवान जो कश्मीर में कल शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है वो केंद्र सरकार और यहाँ की यूटी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हम रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर प्रदर्शन करते आए हैं और बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी आज तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है वो अभी तक यहाँ से नहीं निकाले गए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने माना है कि यह अब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है तो मैं जनता से अपील करूंगा कि जनता उन लोगों से जो वोट मांगने आते हैं उनसे पूछे कि आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर क्या किया। कईयों ने बसाया लेकिन कईयों ने नहीं निकाला। सभी ने सत्ता का सुख भोगा लेकिन अभी तक इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हम लगातार चिल्लाते रहे हैं, कितने वर्ष हो गए हैं हमें चिल्लाते हुए। बड़े बड़े चैनलों ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरियां बनाई हैं और उन्होंने बताया किस प्रकार से यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से बसे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। जब आप सत्ता में हैं आप इनको निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं अभी तक? ये मैं सरकार से बीजेपी के है, देखिए बीजेपी भी सत्ता में है, मैं बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहा हूँ। मैं सभी के, मैं बसाने वालों के खिलाफ भी हूँ और जो उनको निकाल नहीं रहे मैं उनके खिलाफ भी हूँ। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं अभी तक इनको निकाला यहाँ से। अभी हम इसके ऊपर भी एजिटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, इनको यहाँ से नहीं निकाला गया। अभी रोशनी एक्ट में देखिए हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को उन्हीं जमीनों के ऊपर बसाया गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है? आपने लिस्टें बनाई, सब तरीके अपना के हमने लोगों को सभी को बोला कि हम इनको निकाल रहे हैं, हम इनकी बायोमेट्रिक कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, इनको निकाला नहीं जा रहा। इसका क्या कारण है? हम कारण पूछना चाहते हैं, हम भाजपा से भी कारण पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनका दूसरा टर्म जो है बस केंद्र में है और अभी 5 साल पूरे करके वो 6ठे साल में यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं।